सेना के मेंबर रफीक पर बिलसेंडर निवासी डॉक्टर पप्पू मंसारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने वार्ड संख्या 12 के मेंबर रफीक को आवास योजना के अंतर्गत आए अपने आवास पर 30,000 रुपए की रिश्वत दी थी, जिस पर वार्ड मेंबर ने उनका आवास स्वीकृत कराया था। डॉक्टर पप्पू मंसूरी का कहना है कि उनके द्वारा कई बार कंप्लेन करे जाने पर भी अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही अभी तक वार्ड मेंबर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उधर जब हमारी टीम ने वार्ड मेंबर से बात की तब वार्ड मेंबर ने बताया कि यह 2 महीने पुराना मामला है जिस पर पप्पू मंसारी का आवास आया था। उन्होंने आवास की किसी को निकाल लिया परंतु आवास को पूर्ण नहीं किया, जिसके चलते इनको आगे की किस्त नहीं दी गई। इस पर उन्होंने काफी गाली गलौज भी की व उनके साथ अभद्रता भी की, परंतु उन्होंने अपना आवास पूर्ण नहीं किया। साथ ही साथ हमारी टीम ने बिलसेंडा के युवा नेता एवं एडवोकेट आशीष सक्सेना से बात की। उन्होंने भी यही बताया कि जो पैसे उन्होंने रफीक के खाते में डाले हैं वे उन्होंने अपनी बेटी की शादी में उनसे उधार लिए थे, जिसके साथ से वार्ड मेंबर रफीक के पास मौजूद है। वार्ड मेंबर इसकी शिकायत कर चुका है। इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी एवं ये सारी अफवाहें गलत हैं। वार्ड मेंबर ने किसी भी तरीके से इनसे कोई पैसा नहीं लिया है। पीलीभीत से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। हमारा नाम पप्पू मंसूरी है, पिता का नाम रियासत मंसूरी है, वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं। क्या समस्या आपकी? समस्या हमारा आवास स्वीकृत हुआ था कुछ माह पहले, फिर क्या? फिर उसमें मुझसे पैसे मांगे गए। किसने पैसे मांगे आप? वार्ड नंबर 12 के मेंबर ने, रफीक ने पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद हमारा उनका मामला फाइनल हुआ 30,000 रुपये में। कितने पैसे दिए थे? 21,500 रुपये दे चुके हैं, 14,500 रुपये मैंने खाते में डाले, 7,000 रुपये मैंने नकद दिए और फिर भी मेरे साथ में गलत व्यवहार हो रहा है। कोई सबूत है आपके पास? सबूत मेरे साथ में सारे हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं और सारी ओरिजिनल चीज़ें हैं, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वंदना त्रिवेदी जी को पीलीभीत द्वारा, पीलीभीत के जो ATM है उन्होंने जाँच सौंपी गई थी, DM साहब ने सौंपी, मगर जाँच नहीं सही हो रही है और हमारा कोई मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है आगे। इसमें मेंबर को बचाया जा रहा है और JEE के खिलाफ मतलब उस JEE को निलंबित कर दिया गया, मगर निलंबित करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसे दोषी पे FIR होना चाहिए, तब सही है। दोनों पे FIR हो, मुझे न्याय कानूनी कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए।